जैन मंदिर को लेकर जैन समाज में उत्साह का माहौल है। इसको लेकर 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया और संयोजक अभी जैन ने बताया कि 17 फरवरी से 22 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम को लेकर जैन समाज में बेहद खुशी की लहर उमड़ रही है, जिसको लेकर स्वर्ण जनित रथ और एक हाथी की सवारी से भगवान को लाया गया। उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम को लेकर 5 दिनों तक तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संपूर्ण जैन समाज को लेकर ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क में भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। जैन समाज की शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाओं और भक्तों ने हिस्सा लिया। ये हमारा एक्चुअली में लेलिन पार्क में एक जैन मंदिर, नया जैन मंदिर बनाया है, जिसका की प्रतिष्ठा है। आज ये प्रतिष्ठा का प्रोग्राम 5 दिन चलता है। ये 17 से 22 तारीख तक चलेगा प्रोग्राम। इसमें भगवान का जन्म, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याण होते हैं। भगवान का मतलब गर्भ में कैसे आए, फिर जन्म का प्रोग्राम, फिर तप का, फिर मोक्ष का, ये प्रोग्राम इसमें सारे बताए जाते हैं। ये 17 से 22 तारीख तक है। हमारे गुरुजी पद विहार करते हैं, हमेशा पैदल चलते हैं, जो अभी समय आगरा से चल के कानपुर आए हुए हैं, जिनके सानिध्य में ही मंदिर का पंचकल्याणक होना है। और ये मंदिर की प्रतिष्ठा 22 तारीख को सूर्यमंत मंदिर को दिया जाएगा, जिससे मंदिर पूर्ण रूप से पूजा योग्य हो जाएगा। ये शोभा यात्रा लेलिन पार्क उसी मंदिर से निकाल करके ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क में लाई गई, जिसमें कि करीब 3 रथ थे हमारे, 2 स्वर्ण जनित रथ थे, 1 हाथी वाला रथ था जिसमें पूरे भगवान विराजमान थे, और काफी सारी महिलाएं जो अपना कलश शुद्धि वाला कलश जल लेकर के, और साथ में यहाँ पर सब लोग आए हैं, जिससे इस पंडाल की पूरी शुद्धि हुई है और झंडारोहण हुआ है। अब उसके बाद गुरु जी का प्रवचन चल रहा है, इसके आगे और भी कार्यक्रम होंगे। प्रसाद वितरण नहीं होता, ये हमारे एक्चुअली में क्या कि भोजन की व्यवस्था है, पूरे समाज की जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं सबका यहाँ पर स्वल्पाहार की व्यवस्था है।